यात्रा करना एक महान शक्ति है। धन्यवाद सभी प्रकार के इकट्ठा कर दिया है प्रभु ने, और वो आज केवल स्वाध्याय का विषय नहीं है, केवल अध्ययन का विषय है। अगर गीता को आप अपना तो आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसे कृष्ण ने किया। कृष्ण जी का पूरा जीवन पूरे संघर्षों से भरा हुआ है, वो हर जगह इन्वॉल्व है लेकिन अनअटैच नहीं है, और ये गीता ही करा सकती है। गांधी जी ने भी यही कहा है कि मेरे जीवन में भी कोई कम संघर्ष नहीं थे, लेकिन मेरा हृदय उन सबसे अंश हुआ रहा, इसका एकमात्र कारण गीता माता है। वो गीता को माता कहते थे। तो जो भी गीता को हृदयंगम करके चलता है, गीता के ज्ञान को लेकर चलता है, वो कितने ही संघर्षों में जिए उसकी आत्मा पर दाग नहीं आ सकते। गीता उसको अलग लेवल पर टूरिज्म का सेंटर बन रहा है, उसमें समस्त गीता को अनेक प्रकार के वर्चुअल रूपों में हम देख सकते हैं। और ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, जिसे अभी अपना गीता महोत्सव के नाते जो प्रारंभ हुई तो उसके कारण से एक आकर्षण लोगों का बढ़ा है, नहीं तो मेले तक सीमित था जो सूर्य ग्रहण का मेला होता था, आपको मालूम है। लेकिन इसके कारण से गीता का आकर्षण और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का आकर्षण उसके कारण से लोगों में बढ़ा है। और निश्चित रूप से समय समय पर जब कोई एक इवेंट होने लगती है, एक गतिविधि होने लगती है, तो उसके साथ अनेक गतिविधियां शुरू होती है। तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में जैसे आपके मन की आकांक्षा है, ऐसे अनेक गतिविधियां आगे मुझे लगता है कि ऐसे गीता महोत्सव आज भव्य रूप से समापन हुआ है। और हरियाणा सरकार मनोहर कट्टर जी के नेतृत्व में अच्छे व्यवस्था किया है, और ये समारोह जो आज देखने के बाद आने वाले दिन में दुनिया भर से ज़्यादा लोग इस देखने के लिए आना चाहिए। ये भव्य कार्यक्रम है, ऐसी कार्यक्रम गीता के दृष्टिकोण से दुनिया में किधर भी नहीं होता, सिर्फ ये पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में भी होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, आने वाले साल के इंतज़ार करिए, आने वाले साल में सब लोग आइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।